नमस्कार, हम बॉम्बे सैपर्स की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह पर्व प्रत्येक बॉम्बे सैपर के लिए बहुत ही गर्वमय पल है। इस उपलक्ष्य में आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिसका नाम ट्रायथलॉन के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है, हवालदार विश्वजीत सिंह। हवालदार विश्वजीत सिंह, आपका मैं बॉम्बे सैपर्स की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। विश्वजीत, आपका ये सफर बहुत ही लंबा रहा है, आपने उसमें बहुत सी उपलब्धियां पाई हैं, आप हमें उनके बारे में बताएंगे? हाँ, चाहता हूँ। मैंने अभी तक जो भी 2015 में साउथ कोरिया में अपने टीम में 12th पोजिशन आया था। उसके बाद 2015 में केरला में हुआ था नेशनल गेम्स में, मैं सिल्वर मेडल लिया है। और इसके बाद अभी 2018 पे विशाखापट्टनम में हुआ था, उसमें गोल्ड लिया है। इसके बाद अभी 2019 में मैंने सेना नेशनल में सिल्वर मेडल लिया है। और गोवा आयरनमैन में मैंने ओवरऑल चैंपियन बना, गोल्ड मेडल लिया है। और साउथ एशियन गेम्स नेपाल में हुआ है, उसमें सिल्वर एंड गोल्ड लिया है। विश्वजीत, आपने अपनी ये ट्रेनिंग किस उम्र से शुरू की थी और आपके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या था? मैं 2003 से शुरू किया था और मेरे भाई को भाई ने बॉम्बे सफर में 2006 में ज्वाइन किया है, तो वो भी ट्रायथलॉन किया था, तो उसको देख के मैंने शुरू किया था ट्रायथलॉन। तो ट्रायथलॉन शुरू करने के बाद मैं पुणे में आर्मी ज्वाइन किया है, तो इसकी वजह से अभी तक बॉम्बे सफर ने बहुत सपोर्ट देके अभी तक जो भी जितना बॉम्बे सफर ने सपोर्ट देके अभी तक जितना मैं जीतने के लिए सपोर्ट दिया है। विश्वजीत, आपको आयरनमैन टाइटल से नवाजा गया, आप उसके बारे में हमें बताएंगे? आयरनमैन में 1.9 स्विमिंग होता है और 1.9 किलोमीटर स्विमिंग होता है और 90 किलोमीटर साइकिल होता है, 90 किलोमीटर साइकिल और 21 किलोमीटर रनिंग, ये कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आपने इसमें आपको गोल्ड मेडल मिला? हां, गोल्ड मेडल है। तो इसके लिए आपने कितने दिनों की मेहनत? मैंने 2000 आयरनमैन में 2018 से शुरू किया था, 18 में एक पुणे में ऑर्गेनाइज किया था पार्वती स्विमिंग पूल पे, तो वो लोग ने एक साइकिल भी दिया है मेरे को 10 लाख का साइकिल। तो उस टाइम ट्रायल के लिए जो भी इंडिया में जो भी ट्रायथलॉन का उसको वो लोग ने पेपर में डाला, जो भी इसमें 15 मिनट के अंदर आएगा तो ये साइकिल देगा करके, और जो भी जाने का प्रसाद करेगा करके, तो अपने बॉम्बे सफर का कोच लोग अपना बॉम्बे सफर का जो भी उत्साह ने सपोर्ट दिया है, मतलब ये खेल के आ जाओ, तो आपका नाम आगे भेजा और आपका सिलेक्शन हुआ हुआ है, तो उसमें मैं पास आया था। इसके बाद इससे शुरू किया था मैंने। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि बॉम्बे सैपर्स ने अगर आपको सपोर्ट किया तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ताकि आप बॉम्बे सैपर का नाम ही रोशन कर सकें। जो भी उत्साह है, जो भी मिला था, वो लोग ने सपोर्ट किया है, वो जीत के आने जाएगा तो जीत के आना है करके बोला। हम मैंने भी वही खाना था, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था उस टाइम, अपने कोच ने भी प्रैक्टिस किया और खुद दिन में बहुत भागा था मैंने, रनिंग स्विमिंग जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बहुत किया था। विश्वजीत, आप ट्रायथलॉन के चैंपियन हैं, आप हमें बताइए ट्रायथलॉन क्या है? ट्रायथलॉन में 1500 स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग होता है। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्विमिंग मतलब 1500 भाग में तो हम लोग 6 किलोमीटर स्विमिंग करना पड़ता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, और साइकिल 40 किलोमीटर, इसको अच्छा टाइमिंग लाने के लिए हमने 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ऐसा चलाना पड़ता है प्रैक्टिस में। और स्विमिंग रनिंग के लिए हम लोग कम से कम 10 किलोमीटर भागना है मेन, तो हमने 25-20 लोग रनिंग से हम लोग सुबह शाम तक एडजस्ट करके अपने साथ में शेड्यूल बनाते हैं। तो आज सुबह स्विमिंग हो गए तो मतलब कल इवनिंग को साइकिलिंग, नहीं तो इवनिंग स्विमिंग हो गए तो रनिंग,
ऐसे करके ऐसे करके एक शेड्यूल बनाते हैं अपने सालों में, उसके बाद ऐसे शुरू करता है उसमें प्रैक्टिस। विश्वजीत, लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जाहिर है जीवन में आपने भी बहुत कठिनाइयां देखी होंगी, कुछ ऐसे पल, कुछ खट्टे मीठे पल जो आपको आज बैठे हुए याद आते हैं। खट्टे मीठे पल में मैंने जो भी अभी तक अच्छा मतलब मेरे दिल में जो भी मैंने ठाना तो मतलब मैं ये करना है तो मैं अभी तक मेरे दिल में मतलब मैं चीज़ करना है तो मैं अभी तक करके आया है। तो इसके बाद थोड़ा कभी कभी फील भी होता है मतलब अपने गेम में कुछ कभी कभी भी कमी रहता है, तो इधर आने के बाद भुवनेश्वर में आने के बाद वो कमी अभी तक हुआ नहीं मेरे से। आपको इतना सहयोग मिला है भुवनेश्वर में, घर में था उस टाइम तो बहुत कमी था, उस इक्विपमेंट हो कोई भी खाने पीने में हो, तो इधर भुवनेश्वर में आने के बाद जो भी अपने ऑफिसरों ने जो भी कोर्स अपना जो वो लोग ने जो भी हम लोगों ने साथ वो अभी तक दिया है मेरे को। विश्वजीत, तरह हम कह सकते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़ के अपने दूसरे ही परिवार में बॉम्बे सैपर्स में ही आए हैं। विश्वजीत, इस मंच के माध्यम से आप भारत की युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? मेरे जो भी प्लेयर्स जो भी है मेरे से छोटा हो बड़ा हो, तो मेरा कहने का मतलब है अभी जो भी मोबाइल ज़्यादा यूज करके अपने वो खराब करता है, हाँ समय टाइम खराब करता है, तो कम मोबाइल यूज करो और खाना जो भी गेम हो उसमें अपने शरीर के लिए अच्छा चीज़ खा के अच्छा बंदा बनने के लिए करना चाहिए। विश्वजीत, आपने अपने डिसिप्लिन को बहुत कंट्रोल में रखा होगा, आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि आप कितने बजे उठते हैं, क्या आपका पूरे दिनचर्या के बारे में बताइए। हाँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठता है और इसके बाद ट्रेनिंग जाता है, ट्रेनिंग 9:30 भी बजता है, 11 भी बजता है, जो लॉन्ग साइकिलिंग गया, लॉन्ग रनिंग गया, लॉन्ग स्विमिंग के लिए गया, उस टाइम आने के बाद मैं खुद बनाते हैं और खुद खाने के होने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करता है, रेस्ट होने के बाद 3 टाइम में प्रैक्टिस करता हूँ, रूम पे ट्रेनर रखे साइकिल चलाते, उसके बाद 1 घंटा के बाद दोबारा रेस्ट करके इवनिंग प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा रिकवरी लेता हूँ, मतलब 1 घंटा नहीं तो 1:30 मिनट ऐसे, तो इसके बाद शाम को दोबारा वही प्रैक्टिस, उसके बाद आने के बाद कुछ खाना बना के और कल सुबह के लिए रेडी तैयार हो जाए। मैंने बचपन में एक गांव में था, मतलब मेरे घर में था, उस टाइम में कुछ गेम नहीं मैंने किया नहीं, पढ़ाई में था, पढ़ाई मेरे भाई बोला था पढ़ाई में क्या दे दो करके, तो पढ़ाई में था उस टाइम मेरा भाई बॉम्बे सफर में ज्वाइन किया था गेम में, उसके बाद उसको देख के मैंने गेम सीखा था, तो एक गांव में एक गेम ऑर्गेनाइज किया था ट्रायथलॉन, उसमें शुरुआत किया था मेरा, शुरुआत होने के बाद मैं सब जूनियर 2004 में सब जूनियर गया था, इसके बाद 2007 में जो दोबारा जूनियर खेला था, इसके बाद मैं 2003 पे मतलब पुणे में पुणे का एक आर्मी का टीम और इंदौर में आया था, तो उसमें मैं सीनियर में साइन किया था, 4 क्वेश्चन आया था, इसके बाद मेरा भाई भी आया था उस टाइम, वो मैं सफर में था भाई, तो वो लोग ने कोच वो लोग ने सपोर्ट दिया है तुम्हारा भाई भी जैसे ज्वाइन करवा दो करके, इसकी वजह से ज्वाइन करवाने के बाद अपने पहले घर में तो बैग के बारे में थोड़ा मतलब तो खाने पीने में थोड़ा ये नहीं था, तो बॉम्बे सफर में आने के बाद वो सब कुछ मिल गया मेरे को, तो मैंने जो भी गेम बॉम्बे सफर में ज्वाइन करने के बाद जो भी ट्रायल और जो भी किया था इसमें जो बहुत मैंने सोचा था आगे जाने के लिए अभी तक, तो वो सब कुछ मिल गया, मिलने के बाद तो मैं और बहुत अच्छा लगा था और आगे आगे कर करके अभी तक यहाँ तक पहुँचा मैंने, तो अब मेरे तरफ से मैंने मम्मी पापा वो लोग भी बहुत सपोर्ट किया है, मतलब अभी तक तूने इतना जुम्मन किया है तो
कभी भी बोलते हैं तुम्हारा कोच लोग अपना बॉम्बे सफर तुम्हारा आर्मी ने अभी तक तूने कर रहे बोर्ड की वजह से कर पा रहे, तो इतना बोलना चाहता हूँ बॉम्बे सफर ने अभी तक मेरे लिए बहुत करवाया। विश्वजीत जी, बॉम्बे सैपर्स का सहयोग आपके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ। बॉम्बे सैपर्स अब आपको किस मुकाम पर दिखने की के इंतजार में? मैं अभी तक जो आगे आने वाला गेम है इसमें अभी साउथ एशियन कप है, अभी सेमीफाइनल होने वाला है फरवरी, तो ये जस्ट 2020 फरवरी 23 को होने वाला है। इसमें जितना मैं मेहनत करके बॉम्बे सफर के लिए भारत के लिए मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत करूँगा, और 20 नवंबर को ये नवंबर 29 को उधर न्यूजीलैंड में होने वाला वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए वही तैयार कर रहा हूँ मैं, वही पे भी अपना बॉम्बे सफर के लिए इंडिया के लिए मेहनत करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करूँगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश्वजीत, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, मैं बॉम्बे सैपर्स की ओर से आपकी आभारी हूँ। आप आयोजित कार्यक्रम का आनंद उठाएं, खिलाड़ियों से मिले, उन्हें प्रेरित करें और आने वाले समय में भारत और बॉम्बे सैपर्स का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।